इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त की तीन बड़ी खबरें जरा आपको बता दें। आज दिन भर भारत में सोशल मीडिया के जरिए खबरें फैली। अफवाह यह थी कि तालिबान ने 150 लोगों को अगवा कर लिया है, लेकिन यह खबर गलत है। भारत सरकार के सूत्रों ने इस खबर को पूरी तरह से गलत ठहराया है। दूसरी बड़ी खबर, कुल 300 भारतीयों को आज काबुल से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। 90 लोगों को भारतीय विमान तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे पहुंचा भी गया है। वहां से सभी भारतीयों को वतन लाया जाएगा। और वहीं तीसरी बड़ी खबर, 210 भारतीयों को लाने C-17 ग्लोब मास्टर काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद है। लेटेस्ट खबर यह है कि 150 लोग प्लेन में चढ़ भी गए हैं। तो ये तीन बड़ी खबरें आज अफगानिस्तान से आ रही हैं। लेकिन आज जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए खबर सामने आई, 150 भारतीय अगवा कर लिए गए हैं, अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय परिवारों में बेचैनी बढ़ गई। लोग अपनों को लेकर चिंतित हो गए। लेकिन काबुल से कंफर्म रिपोर्ट यह है कि सोशल मीडिया से आई यह रिपोर्ट सरासर गलत है। काबुल में रह रहे सभी लोग एकदम सेफ हैं। भारत सरकार के हाई सोर्सेज ने भी खबर को पूरी तरह से गलत बताया है। काबुल में सभी भारतीय सुरक्षित हैं। सभी भारतीयों को बाकायदा लंच कराया गया और सभी भारतीय सुरक्षित एयरपोर्ट उन्हें पहुंचाया भी गया है। देवेंद्र पराशर हमारे सीनियर एडिटर इस वक्त हमारे साथ। देवेंद्र, तो यह खबर कि 150 भारतीयों को अगवा कर लिया गया है सरासर गलत। यह पंकज, निश्चित तौर पे वह सरासर गलत था और जिस तरह से उसको फैलाया जा रहा था, और यहाँ भी आप देखें तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ने सोशल मीडिया पे उन सारी चीज़ों को लेकर सरकार पर हमला भी बोला था। ये निश्चित तौर पे एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी सरकार के लिए भी और देश के लिए भी, कि ऐसे सेंसिटिव मौके पर भी सरकार से इन्फॉर्मेशन लेने के बजाय कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर आ जा रहा है और उसको लेकर अगर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत विचित्र स्थिति थी। और क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है, अभी सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान की स्थिति क्या है, वहाँ पर तालिबान के प्रभाव से अपने लोगों को अगर निकाल कर लेकर आना है तो आप अंदाजा लगाइए किस लेवल का एक्सरसाइज चल रहा है और कितनी मशक्कत करनी पड़ रही होगी, कितनी ज्यादा सावधानियां बरती जा रही हैं। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि ISI अफगानिस्तान में अभी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से कोई ऐसा कारनामा दिखाए, और वैसी स्थिति में अपने सारे लोगों को वहां से निकाल लेकर आना निश्चित तौर पर भारत की सरकार लगातार उसके लिए कोशिश कर रही है। और उस स्थिति में इस चीज का सोशल मीडिया पर फैलना, जिसमें सरकार के जो टॉप सोर्सेज है उन्होंने न सिर्फ इस बात का खंडन किया बल्कि यह बताया कि वो सारे लोग सुरक्षित हैं और एयरपोर्ट जाने से पहले बकायदा उन्हें लंच भी ऑफर किया गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए, इस खबर के लिए देवेंद्र पराशर आपका। तो पहली खबर यह कि जो 150 भारतीयों के अगवा होने की खबर थी, अपहरण की खबर थी, वो सरासर गलत है। देवेंद्र पराशर ने उसकी पुष्टि भी कर दी। और आज की दूसरी बड़ी खबर काबुल से ही है, भारतीयों के एयरलिफ्ट पर है यह खबर। अफगानिस्तान से आज फिर से 90 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है। ये लोग आज शाम तक भारत पहुंच सकते हैं। एयरफोर्स के C-130 प्लेन से भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया है। 90 भारतीय तजाकिस्तान के रास्ते देश लौट रहे हैं। एयरलिफ्ट में अमेरिकी ब्रिटिश सेना ने भी मदद की है। इसके अलावा 210 और भारतीयों को भी काबुल से एयरलिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए 2 C-17 ग्लोब मास्टर काबुल एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं और 150 लोगों को भी इसमें बिठा दिया गया है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, इस खबर पर क्या अपडेट इस वक्त? पंकज, इस समय पूरा फोकस काबुल से C-17 ग्लोब मास्टर को टेक ऑफ करवाने में है, और इसीलिए जो 210 भारतीयों की और साथ में अफगान सिख और अफगान हिंदू के अलावा जो अफगान नेशनल हैं उनकी लिस्ट तैयार की गई थी, अब उसी के तहत इन सभी को एयरपोर्ट लाकर C-17 के जरिए टेक ऑफ करवाते हुए भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इसमें कितना टाइम लगेगा, जो इस समय ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स हैं उनके मुताबिक कि इसे कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई एरियाज चोक्ड एरियाज हैं जहां से निकलने के लिए मल्टीपल लेवल एंगेजमेंट करना पड़ता है। इसीलिए यहां पर इस समय गुरुद्वारे में करीबन 110 के लगभग सिख मौजूद हैं, जिसमें से 84 जो सिख अफगानी सिख थे जिनको हिंदुस्तान आना था, करीबन 15 से 20 अफगानी हिंदू हैं, उसके अलावा 40 वो लोग हैं जो कि वहां पर अलग अलग फर्म्स और मल्टीनेशनल और जो कंपनीज हैं उसमें काम करते थे, उसके अलावा अफगान नेशनल भी हैं। तो कुल मिला के ये 210 हैं जिनको लाने की अब कवायद शुरू हो गई है। वहीं एक और अपडेट आ रहा है C-130J हरकुलिस के बारे में, जो इस समय तजाकिस्तान में मौजूद है। दरअसल ये कब फ्लाई करेगा, कब फ्लाई बैक करते यहाँ हिंडन पे पहुंचेगा? चलिए, आप नजर बनाए रखिए मनीष। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।